नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट के तीसरे दिन कैसा होगा साउथहैम्पटन के मौसम का हाल बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ICC के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने है। मैच के पहले दिन बारिश की वजह से पूरे दिन का खेल खराब हो गया था, एक भी गेंद डाली नहीं जा सकी थी, यहाँ तक कि टॉस भी कराना संभव नहीं हुआ था। लेकिन दूसरे दिन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से खुशी की खबर आई थी। हालांकि खराब रोशनी की वजह से खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल दूसरे दिन का खेल 98 ओवर का होना था, लेकिन खराब रोशनी के कारण 64.4 ओवर का ही हो सका है। भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक की 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 44 और अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर नाबाद हैं। अब आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच टेस्ट का तीसरा दिन है, तो बात करें अगर आज साउथहैम्पटन के मौसम की तो मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो वहीं आज यह मैच 3:30 पर शुरू किया जाएगा और उम्मीद है कि आज एक अच्छा खेल हो पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत आज कितना स्कोर बनाने में कामयाब रहेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।